आप हजरात को दावत भी देना चाहता हूँ कि 7 सितंबर अकीदा ख़त्म नबूवत का खसूसी दिन है कि जिस दिन कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया। इमाम बरहक कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबरीन ने भरपूर किरदार अदा किया। तो गाजियान ख़त्म नबूवत, कायदीन ख़त्म नबूवत, कारकुनान ख़त्म नबूवत को खराज तहसीन पेश करने के लिए और मजमून ख़त्म नबूवत को बयान करने के लिए, दिफाए पाकिस्तान के लिए, दिफाए कुरान के लिए, दिफाए ईमान के लिए, दिफाए अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए और दिफाए अकीदा ख़त्म मासूमियत के लिए ये कॉन्फ्रेंस हमारे मरकज़ में 7 सितंबर को मुनक्किद होगी। कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, ये जगह जो है इसका नाम है हज़रत सैदना शाह जलाल रहमतुल्लाह ताला रिसर्च सेंटर। तो जब मुतलकन ज़िक्र हो मरकज़े सिरात मुस्तकीम में प्रोग्राम हो रहा है तो उससे मुराद बाहर सेन के अंदर वहाँ या फिर मस्जिद के जो हाल हैं वहाँ मुराद होता है। तो कुछ लोग कहते हैं चूँकि जगह नहीं मिलेगी तो हम नहीं जाते, वैसे सुन लेंगे। तो जो मुख्तसर प्रोग्राम होता है वो इस शाह जलाल रिसर्च सेंटर में होता है, उसका ये एड्रेस होता है। और ये जो इज्तिमाए आम होता है जिसमें कसीर तादाद में लोग लाइव यहाँ हाजिर होकर सुन सकते हैं, वो मरकज़ सिराते मुस्तकीम जिस प्रोग्राम के साथ लिखा हुआ हो। तो इस बुनियाद पर मैं दावत देता हूँ कि काफिलों की शक्ल में 7 सितंबर को आप तशरीफ़ लाएँ और इल्मी ईमानी मकाला जो है वो सुने। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।